खिलाड़ी 11 पर भारी, तारीख बदल गई, रिवायत टूट गई, बाबर ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, मौका मौका करने वालों के साथ धोखा हो गया, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से हरा दिया, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 151 रन का हदफ हंसते खेलते उबूर कर लिया, कप्तान बाबर ने नॉट आउट 68 और रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 79 रन बनाए। दुबई का मैदान, शाहीन आफरीदी की ऊंची उड़ान, गेंदबाजी का लोहा मनवाया, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज अपने नाम किया, कप्तान बाबर आजम कहते हैं इस जीत का बहुत फायदा होगा, माजी की नाकामियां जहन में नहीं थी, मुकम्मल तैयारी के साथ इवेंट खेलने आए हैं। मैदान में ही नमाज अदा की, मैदान में ही शानदार परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद रिजवान की ऑलराउंड कारकर्दगी, शानदार कैचेस पकड़े, उम्दा बैटिंग की, जीत में अहम किरदार अदा किया, बाबर आजम ने भी कायद होने का हक अदा कर दिया, शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। कौमी टीम की भारत पर शानदार फतेह, सियासतदान और अस्करी क्यादत एक पेज पर, वजीर आजम इमरान खान की मुबारकबाद, ट्वीट में लिखा पूरी कौम को आप पर फख्र है, आर्मी चीफ की भी शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद, ISPR के मुताबिक कौमी टीम ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी, साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो सरदारी समेत दीगर भी खुश, ग्रीन शर्ट्स और पूरी कौम को मुबारकबाद दी, चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं ये पहली और शानदार फतह है लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है, ये फख्र के लम्हात हैं। फतेह की गूंज मकबूजा कश्मीर से नई दिल्ली तक सुनी गई, कश्मीरियों ने चेहरे पर पाकिस्तान के परचम सजाए, गली गली लहराए, पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद श्रीनगर के आसमान को रोशनियों से रहला दिया, अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। फतेह के बाद शानदार जश्न तो बनता है, पाकिस्तान की जीत के बाद मुल्क भर में क्रिकेट दीवानों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, समा के न्यूज रूम में भी जज्बाती माहौल, जश्न का समा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हमारे बॉलरों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उनकी बैटिंग को आउटक्लास कर दिया है, तो इसको मैं इस तरह कहूँगा। और जहाँ तक बैटिंग की बात है तो अगर बैटिंग देखा जाए, जिस तरीके से हमारे बाबर और रिजवान ने बैटिंग की है वो एक क्लास थी, मज़ा आया उस पिच के ऊपर, पिच कुछ भी नहीं था, पिच के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे बैट्समैन खेले अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू पूरे पाकिस्तान टीम को, हमारी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। बाबर आजम और रिजवान का कॉम्बिनेशन शानदार है, बहुत समझदारी से बैटिंग की, बड़े मैच की बड़ी ट्रांसमिशन में बड़े खिलाड़ी का कौमी टीम को खिराज तहसीन, शाहिद आफरीदी ने कहा भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ ये शानदार फतह बहुत अहम है, इंशाल्लाह पूरे टूर्नामेंट में इसी तरह खेलेंगे। समा की वलका आ रही और देखते हैं कि किसको जिताते। पाकिस्तान को जिता दिया, यानी कि पाकिस्तान जीतने जा रहा है, तो समा रॉक्स पाकिस्तान रॉक्स।
बड़े मैच से पहले बड़ी पेशगोई, टीम पाकिस्तान मार लेगी मैदान। समा की मलिका ने जो बताया हर्फ बहर्फ सच साबित हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, गवर्नर ने मंजूर कर लिया। जाम कमाल ने ट्वीट में लिखा, सोची समझी सियासी रुकावटों के बावजूद बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वक्त दिया, एहतराम के साथ छोड़ना चाहेंगे। खराब हुक्मरानी की तश्कील के साथ उनके मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनूंगा। DLP से 8 घंटे तक बातचीत की, एहसान रिजवी साहब से भी मेरी तफसीली बातचीत हुई, 1-to-1 भी हुई और मीटिंग में भी हुई। ये तय पाया है कि हम बुध तक केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे, शेड्यूल 4 को भी देखेंगे। हमने उनके साथ दस्तखत किए हुए हैं, मैंने और नूरुल हक कादरी साहब ने, कि इस मसले को, इस वक्त फ्रांस का एम्बेसडर मौजूद नहीं है, नाज़िम नमूर है, उनके असेंबली में लेके जाएंगे। रियासत डंडा चलाना नहीं चाहती, हुकूमत और कलदम TLP के मुजाकरात कामयाब। वजीर दाखिला का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का ऐलान, कलदम तंजीम के खिलाफ केसेस भी वापस लिए जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 8 घंटे तक तवील मुजाकरात हुए, साद रिजवी से भी 1-on-1 मुलाकात हुई। हुकूमत जूटो कराटे नहीं खेलना चाहती, रावलपिंडी इस्लामाबाद से कंटेनर्स हटाने की हिदायत, GT रोड पर रुकावटें बरकरार रहेंगी। नारे जिसने लगाए उसका हमारी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो हमारी पार्टी का कारकुन है, ना वो हमारी पार्टी का उद्दार है। ये मैं बिला खौफ तर्दीद ये आज बात कहना चाहता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के जो इदारों के सरबराह जो हैं, जो भी इदारे हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों के खिलाफ अवामी जलसों में नारे लगाना ना सिर्फ कौमी मफाद के खिलाफ है बल्कि इसकी कतन कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़े नारों से नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं, शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए मजबूत फौज नागुजीर है। अपोजिशन लीडर ने महंगाई मुल्क को मुल्क का नंबर वन मसला करार दे दिया, बोले महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, इस हुकूमत को ना अवाम और ना कोई और बर्दाश्त करेगा। समा ने सवाल किया अगला वजीर आजम कौन होगा, मरियम या आप, शहबाज शरीफ ने वाज़े जवाब न दिया, गोल गोल घुमा दिया। मियां साहब ये बताइएगा कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें अगला वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ होगा या मरियम नवाज होगी? देखिए ये आप को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जिससे कि आप इस बात से महजूज हों या दिल पशौरी हो सके आपका, ये आपको मौका नहीं मिलेगा।